मैं आपको एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप अफवाह में मत जाएं, जनरल प्रमोशन नहीं होगा, जनरल प्रमोशन नहीं होगा। आपको पुनः मैं बात बोल रहा हूं कि साथियों कि किसी भी क्लास में किसी भी विश्वविद्यालय में अभी तक सरकार का कोई आदेश नहीं है। तो दोस्तों ये थे शिक्षा विभाग के अधिकारी जिनका कहना है कि 10वीं 12वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जरूर करवाई जाएगी, विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन अभी अभी NSUI छात्र संगठन ने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप परीक्षाएं करवा लीजिए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन यदि परीक्षा के दौरान कोई भी विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या किसी विद्यार्थी की मृत्यु होती है तो हम सरकार को माफ भी नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, NSUI ने कहा छात्रों को कुछ भी हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे। कहने का मतलब ये है कि NSUI छात्र संगठन ने सरकार को साफ संकेत दे दिए हैं कि यदि विद्यार्थी के साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी है वो सरकार लेगी। आगे छात्र संगठन ने बताया कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़े जा रही है जिसको लेकर सभी लोगों को काफी चिंता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार परीक्षा ले रही है। यानी जिस वक्त कोई भी व्यक्ति या विद्यार्थी कोरोना वायरस की डर की वजह से अपने ही घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उस वक्त में विद्यार्थी एग्जाम सेंटर पर जाकर किस प्रकार परीक्षा देगा। साथ ही छात्र संगठन ने बताया कि किसी भी विद्यार्थी की जिंदगी परीक्षा से बड़ी नहीं हो सकती है, यदि जिंदगी रही तो आगे भी अनेकों परीक्षाएं दी जा सकती है, इसलिए सरकार परीक्षा को रद्द करे और विद्यार्थियों के बचे पेपरों में सीधा पास किया जाए और जल्द से जल्द विद्यार्थी को अगली कक्षा में एडमिशन दिया जाए। दोस्तों आगे उन्होंने बताया कि संक्रमण फैलने का खतरा अभी भी बना हुआ है, इसके बावजूद सरकार ने परीक्षा लेने का। दोस्तों यहाँ पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि सरकार ने विद्यार्थियों की परीक्षा को स्थगित तब किया जब कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं था, और दोस्तों अब कराने तब जा रही है जब कोरोना वायरस के 2 लाख से भी ज्यादा केस आ चुके हैं। और दोस्तों यदि परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी इकट्ठे होंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों पूरे भारत देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक बहुत बड़ा महाविस्फोट होगा। आगे छात्र संगठन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी विद्यार्थी यदि कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों इसका जिम्मेदार केवल सरकार होगी जो कि परीक्षा लेने की बात कर रही है। यह बात NSUI छात्र संघ अध्यक्ष रवि चौधरी ने कही। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को ट्वीट करके भी बच्चों की परीक्षा निरस्त करने की बात कही है। दोस्तों आप सब जानते होंगे 2-3 दिन पहले ट्विटर पर एक ट्रेंड आ गया था कि स्टूडेंट को प्रमोट करो #जनरल प्रमोशन। दोस्तों इसका असर भी सरकार पर नहीं पड़ा और वो फिर से यहाँ पे परीक्षा लेने की बात कर रही है। लेकिन जो हमारे रवि चौधरी हैं NSUI के यहाँ पे अध्यक्ष हैं, उन्होंने फिर से यहाँ पे मांग उठाई है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। रवि चौधरी जी ने बताया कि इस मुहिम में उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत देश के लगभग सभी विद्यार्थी ये चाहते हैं कि कोरोना वायरस की इन परिस्थितियों में हमारी परीक्षाएं ना कराई जाए, क्योंकि जिंदगी पहले परीक्षा बाद में। दोस्तों आगे देख सकते हैं उन्होंने बताया है जो परीक्षा निरस्त करने की बात पर अड़े हैं। साथ ही यहाँ पे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि बच्चों को कुछ भी हुआ तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। साथ ही दोस्तों उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही है कि यदि कोई गांव का विद्यार्थी है जब वो शहर परीक्षा देने जाएगा और यदि वो कोरोना पॉजिटिव वहां पाया जाता है और फिर अपने गांव लौटता है तो वो गांव के सभी लोगों को यहां पे कोरोना पॉजिटिव कर देगा। तो यानी कि एक व्यक्ति की वजह से सारे व्यक्ति यहां कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब यदि भारत में गांव-गांव तक कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच गया तो पूरे भारत देश के अंदर कोरोना वायरस को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों यहाँ पे रोक पाना नामुमकिन के बराबर होगा। इसलिए छात्र संगठन ने सरकार को एक ही बात कही है कि विद्यार्थियों की परीक्षा इन खतरनाक परिस्थितियों में ना ली जाए और विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। और दोस्तों यदि परीक्षा ली गई तो देख सकते हैं आप उन्हें आने जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि छात्र दूसरे जिलों से आकर यहाँ परीक्षा तो दे देंगे लेकिन परीक्षा के बाद जब वापस वह अपने जिलों और गांवों में लौटेंगे तो इससे उन जिलों और गांवों में भी संक्रमण का खतरा होगा। तो दोस्तों यहां पे मेन बात यह है कि सरकार चाहती है कि विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाए, लेकिन NSUI छात्र संगठन ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के दौरान कोई भी विद्यार्थी यदि कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या किसी भी विद्यार्थी के साथ कुछ भी होता है तो यहां पे इसकी सरकार है वो पूरी जिम्मेदार होगी। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।